गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू मेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में मैट्रिक क्लास का फर्स्ट सिटिंग का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है सोशल साइंस का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे। दोस्तों, ये हमारे पास सेट TH का क्वेश्चन पेपर है, तो आज दोस्तों आपको सेट TH से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो जिन दोस्तों का सेट TH पेपर नहीं होगा, वो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन मिलाते जाइएगा और आप देख पाएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में कितने ऑब्जेक्टिव सही सही बना कर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा, तो इसका ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चार में है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पांच में है, बोलीविया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण था पानी में कीमत की वृद्धि और बी है खाद्यान्न में कीमत की वृद्धि, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर छः में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद सात में है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। आठ में है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतंत्र। नौ में है, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद दस में है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? जिमरमैन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुनामी कहाँ आती है? 11 में देखिए, सुनामी कहाँ आती है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्र। उसके बाद 12 में है, अंकोर वाट के मंदिर के निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य वर्मन द्वितीय। उसके बाद देखिए, ये 13 में है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 15 में है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादू गोरा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? उदारीकरण, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 में है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी ये होगा। उसके बाद 18 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 19 में है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 21 में है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है जाति पर, ऑप्शन बी सही होगा। 22 में, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान, इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। 23 में है, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग, इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका ऑप्शन सी सही होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका ऑप्शन बी होगा, मोबाइल। 26 में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 27 में है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, फिर दिया हुआ है वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, वित्त आयोग। 28 में है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन सी सही होगा इसका। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2005। इसका ऑप्शन बी सही होगा। 31 में है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ऑप्शन बी सही होगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 35 में है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। सी सही होगा। 36 में है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 37 में है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट व सीमेंट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सीमेंट। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानव कृत, नवीनकरणीय। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नवीनकरणीय। चावल है खरीफ फसल। इसका ऑप्शन ये सही होगा। 40 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952। इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस का जो एग्जामिनेशन आज हुआ है मैट्रिक का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो में देखें। और हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका सही सही आंसर बनाकर आए होंगे। और आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। धन्यवाद।